जहां एक तरफ हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सत्यमेव जयते भी इंडियन बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है, अपने पहले दिन 20 करोड़ की कमाई करती है दोस्तों, वहीं गोल्ड फिल्म भी पीछे नहीं हटती। आपको बता दूं दोस्तों कि गोल्ड फिल्म ने भी ह्यूज अमाउंट कलेक्ट किया है, 25.25 करोड़ का ट्रिमेंडस बिजनेस किया है गोल्ड ने अपने पहले दिन, यानी कि 15 अगस्त को। जी हां, देशभक्ति से उत्प्रोत है मूवी, स्पोर्ट्स ड्रामा है, स्पोर्ट्स ड्रामा से ज्यादा ये एक जर्नी है, एक कैरेक्टर की जर्नी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस दोनों की, ठीक है, आजादी से पहले की भी, आजादी के बाद की भी। तो 25 करोड़ कमा पाना दोस्तों हर किसी के बस की बात नहीं होती, और अक्षय पाजी ने ये कर दिखाया है। एंड दिल से पता नहीं क्यों ये आवाज आ रही है कि जल्द ये फिल्म 100 करोड़ के दायरे को पार कर जाएगी, छू जाएगी, एकदम रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगी, ब्लॉकबस्टर होगी। बहुत ज्यादा खुशी होती है सुनके जब कंटेंट बेस्ड सिनेमा इस तरीके से, इस अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देता है ऑन स्क्रीन, और हमें दर्शकों ने भी पसंद किया फिल्म, क्रिटिक्स को भी पसंद आई फिल्म, और भैया मासेज हो या क्लासेस, हर जगह सिर्फ अक्षय सर का ही जादू है। तो गोल्ड फिल्म को मिलते हैं थम्स अप, और गोल्ड फिल्म इतना बेहतरीन शानदार कमाई करती है। वेल प्रेडिक्शन के अनुसार यही था कि फिल्म जो है 20 करोड़ से ऊपर का कमाई करेगी, लेकिन 25 करोड़ कमा पाना इट्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट। वेल मुझे लग रहा है ना, अगर जॉन अब्राहम साहब की जो फिल्म है यानी कि सत्यमेव जयते, उसको भी ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलते, मतलब बराबरी के अगर स्क्रीन स्पेस मिलते, तो हो सकता है, यू नेवर नो, हो सकता है कि दोनों ही बढ़िया कमाती। लेकिन अभी भी बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, लेट्स सी वीकेंड तक आते आते कौन सी फिल्म किससे आगे होगी, कौन पीछे होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी है, गोल्ड फिल्म अच्छी है, देखने लायक है। आपने फिल्म देखी कि नहीं और आपका प्रेडिक्शन क्या था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या कहना है इस अमाउंट को लेकर, 25 करोड़ को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरीके के अपडेट्स मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए। टेक केयर।